Alleluia. 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 के लिए बड़े ही आशीष के कारण रहा। हालेलुया। उनका सेवा दिए हुए हर एक प्रभु के दासों का हम धन्यवाद देते हैं। विशेष करके आज भी हमारे मध्य में एक प्रभु के दास है पास्टर सचिन, जैसे कल सेवा किए और आराधना में अगुवाई कर रहे पास्टर तुलेश्वर, और आज प्रभु के दास पास्टर आज सूरज भी है। हालेलुया। हर एक बात में हर एक पासवानों का हम धन्यवाद देते हैं। उनका सेवा दे रहा हम सब के लिए अनुग्रह और आशीष के कारण है। हालेलुया। जब कभी भी हम परमेश्वर के वचनों को सुनने या सीखने के लिए जब बैठते हैं, हालेलुया, हमारे सामने में प्रचारक कौन छोटा है या बड़ा है हम इसको कभी ना देखें। हमारा ध्यान हमारे मध्य में रहने वाला यीशु की ओर होना चाहिए, क्योंकि बाइबल बताती है जहाँ दो या तीन उसके नाम लेकर या यीशु मसीह के नाम लेकर इकट्ठे होते हैं उसके मध्य में यीशु क्या रहता है, स्वयं रहता है। हालेलुया। इसीलिए बाइबल बताती है यदि कोई यीशु मसीह के द्वारा भेजे गए में ऐसे छोटे से छोटों को ग्रहण करता है वो प्रभु को ग्रहण करता है, और छोटे से छोटे का वो जो ग्रहण नहीं करता वो किसका इनकार करता है, प्रभु का इनकार करता है। हालेलुया। इसलिए मैं अक्सर इस बातों को जरूर कहता हूँ कि हमारे मध्य में कौन प्रचारक करता है वो महत्व नहीं रखता, उसके द्वारा बोले गए वचन महत्व रखता है कि वो किसका वचन लेकर आया है। हालेलुया। वो परमेश्वर का वचन लेकर आया जो हमारे लिए क्या है, आशीष के कारण है। हालेलुया। तो हर जने उस वचन को सुनने के लिए प्रार्थना के साथ बैठे, प्रभु आज भी हमसे बातें करेगा। हालेलुया। सारे बातों में जीतमान परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, प्रभु के दास सूरज का भी धन्यवाद देते हैं, हमारे मध्य में आए उनका भी सेवा देना हम सब के लिए आशीष के कारण है। हर जने प्रार्थना पूर्वक बैठेंगे, प्रभु के दास सूरज परमेश्वर के वचन से होकर बोलेंगे। परमेश्वर के भलायुग में हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, जो कि प्रभु के दास का भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस योग्य समझा कि अपनी कलीसिया में आकर वचन बोलने का यह अवसर प्रभु के दास ने मुझे दिया। मैं परमेश्वर का प्रभु के दास का धन्यवाद करता हूँ। साथ ही आप सबों को मसीह यीशु के नाम में मेरा नमस्कार। आप सबों को जय मसीह की। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं। हालेलुया। 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 लगता है सब लोग उपवास के कारण क्या है, सब लोग भूख लग रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम सीधे वचन में जाएंगे। मेरे साथ आज के मनन के लिए निकाले मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 32 पद। मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 32 पद। यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ है और उनके पास कुछ खाने को नहीं है। मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता। इस वचन के पढ़े जाने से प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करें। आइए इस वक्त हर एक लोग थोड़ी देर अपने आप को बंद करें, प्रभु से इस वचन के लिए प्रभु से प्रार्थना। हालेलुया। 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 धन्यवाद यीशु। धन्यवाद। धन्यवाद प्रेमी दयालु स्वर्गीय परमेश्वर पिता, हम आपके निकट आपके चरणों में आकर आपका धन्यवाद धन्यवाद करते हैं स्वामी। आपके अब तक के हर एक भलायों के लिए स्वर्गीय परमेश्वर पिता, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके आशीषों के लिए विश्वास के साथ आपका धन्यवाद करते हैं स्वामी। जो आपने शुरू से लेकर अंत तक प्रभु आपने आपकी उपस्थिति में पाए जाने के लिए प्रभु आपके वचन को
महान परमेश्वर पिता, आपके लोगों को आपके चरणों में ठहरने के लिए आपने सहायता किया। हम आपकी महिमा करते हैं, आगे भी आप हमारी अगुवाई कीजिए, निरंतर आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में बने रहने के लिए आप सहायता कीजिए। स्वर्गीय परमेश्वर पिता, वचन का बोलने वाला महान परमेश्वर पिता, महान निश्चित तौर पर एक मनुष्य है प्रभु, लेकिन शब्द आपका होने पाए। महान परमेश्वर पिता, उपस्थित हर एक भाई बहनों, माता पिताओं, आपके हर एक दासों को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपने विनती सुना है, धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम में पिताजी हम आशीष मांगते हैं। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 32 पद में लिखा है, यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ खाने को नहीं। मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि वे मार्ग में थक कर रह जाएं। हालेलुया। हो सकता है इस घटना को आपने पढ़ा है, आपने कई प्रभु के दासों के द्वारा सुना भी होगा। हालेलुया। यह प्रचलित घटना है, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह एक भीड़ को क्या खिला रहा है, खाना खिला रहा है। हालेलुया। सुसमाचारों में 2 घटना है जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को खाना खिलाया, एक बार 5,000 की भीड़ को, एक बार 4,000 की भीड़ को। हालेलुया। हालेलुया। इस घटना के विषय में हम सीखने जा रहे हैं और ऐसे ही मैं आज प्रचार कर रहा हूँ, ऐसे ही एक सभा में एक प्रभु का दास प्रचार कर रहा था। हालेलुया। एक अच्छा प्रभु, एक महान प्रभु का दास था, एक विख्यात जो है इंटरनेशनल प्रचारक था, वो प्रचार करने के लिए उसको कहीं जाना था। हालेलुया। 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 तो उसको 2 जगह जाने का ऑफर आया, एक जो है एक दूर था अपने देश से, दूसरे देश को जाना था, और एक अपने देश में जाने प्रचार करने के लिए उसको जाना था। लेकिन एक व्यक्ति 2 जगह जा सकता है क्या? हेलो, एक व्यक्ति 2 जगह जा सकता है? नहीं। लेकिन उसने क्या किया, अपने साथ रहने वाले एक सहकर्मी सेवक को भेज दिया, कहाँ, अब अपने देश ही में भेज दिया वहां प्रचार करने के लिए। वो बोला कि प्रभु के दास से बोला कि प्रभु जो है पाशा जी, मैं तो प्रचारक नहीं हूँ, मैं क्या करूँगा। वो बोला कि प्रभु सहायता करेगा, आप जाइए वहां पर मीटिंग लीजिए, प्रचार कीजिए। हालेलुया। ये बेचारा जो है उसके साथ रहने वाले सेवक को उतना प्रचार करना नहीं आता था, ना परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं था, लेकिन क्या हुआ, प्रभु के दास के आज्ञा मांग कर वहां पर चला गया। जब गया, सभा को देखा, तब वो सोचने लगा कि इतनी बड़ी सभा में मैं कैसे प्रचार करूंगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु ने उसको एक वचन दिया। प्रभु ने अपने दास को एक वचन दिया, क्या वचन दिया, कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला लेने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। कहाँ लिखा है, प्रकाशित वाक्य, हालेलुया। प्रभु के दास को परमेश्वर ने वो वचन स्मरण दिलाया, उन्होंने वो वचन भीड़ के सामने रखा, बोला कि परमेश्वर का वचन कहता है कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। हालेलुया। सब लोग, आप लोगों की तरह बैठे थे, बढ़िया। यहाँ पर सामने में मस्त एक बुजुर्ग आंटी बैठी थी और ऐसी चटाई बिछा था, क्या बिछा था, चटाई बिछा था, प्रभु के दास प्रचार कर रहे थे कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। क्या बोल रहा था, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ प्रभु के, और उसको प्रकाशन नहीं मिल रहा था कि क्या बोला जाए, क्या किया जाए आगे को, बस इतना ही बोल रहा था कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। अचानक प्रभु के सामने बुजुर्ग आंटी बैठी थी, वो देख रहा था उसको, प्रभु के दास को, प्रभु के दास क्या बोल रहे हैं, वो बोल रहा था कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। अचानक चटाई ऐसा फिसला कि प्रभु का दास गिरा और आंटी के गोद में सीधा गिर गया। तो बोली कि मैं ही ध्यान में नहीं थी, प्रभु का दास तो बोल रहा था कि देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, लेकिन मैं ही क्या बेखौफ होकर बैठी थी। हालेलुया। हालेलुया। सो हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आमेन, हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अपने हृदय, अपने कान, अपने हृदय को तैयार रखें। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के वचन की एक खासियत है, क्या है, दूसरा कुरिन्थियुस उसका 3 अध्याय उसका
हालेलुया हालेलुया। मैं निकाल रहा हूँ, हाँ, छठवां पद में लिखा है, जिसने हमें नई वाचा दी उसके सेवक होने के योग्य भी योग्य के भी शब्द सेवक के नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है परंतु आत्मा दिलाता है। क्या लिखा है यहाँ पर? हाँ, मेरा विषय यह नहीं है, बाइबल कहती है कि शब्द क्या करता है, मारता है, लेकिन आत्मा जिलाता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन की विशेषता क्या है? पुराने नियम में आप जहां भी पढ़ेंगे लिखा है, क्या लिखा है? यहोवा की यह वाणी है। क्या है वाणी? है वाणी किसका नहीं है? किसी पास्टर का नहीं है, किसी भविष्यवक्ता का नहीं है, किसी अच्छे कलीसिया के अच्छे अगुवे का नहीं है, लेकिन पुराने नियम में जहां कहीं भी लिखा है परमेश्वर का वचन जब लोगों तक पहुंचाया गया, कहता है कि यहोवा की यह वाणी है। याद रखना, हाँ, शब्द किसका नहीं? किसी पास्टर का नहीं, किसी महान व्यक्ति का नहीं, लेकिन शब्द किसका है? परमेश्वर का होने पाए। यदि परमेश्वर का शब्द है तो निश्चित तौर पर वह बदल देने की क्षमता रखता है। हालेलुया। हाँ, लोगों के हृदय को परिवर्तन करने की, लोगों के जीवन को बदल देने की क्षमता परमेश्वर के वचन में। हालेलुया हालेलुया। सो हम उधर नहीं जाएंगे। यहाँ पर कहता है कि यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ हैं और उनके पास खाने को कुछ नहीं है, मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता। हालेलुया। यीशु यहाँ पर कहता है कि यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, क्या कहा? मुझे इस भीड़ पर तरस आता है। हालेलुया। यीशु को क्या आता है? उस भीड़ पर तरस आता है। जब 5,000 की भीड़ के विषय में यदि देखें तो वहां पर वहां पर कई एक बातें लिखा है। यीशु ने कहा कि मुझे इस भीड़ पर तरस आता है क्योंकि वे उन भेड़ों के समान है जिनका कोई रखवाला नहीं है। हालेलुया। हम तीनों चारों सुसमाचार में से देखेंगे। यहाँ पर यीशु ने कहा कि यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ। हालेलुया। भाई और बहन, यीशु ने जहां कहीं भी और बाइबल में जितने भी लोगों पर तरस खाया उनके लिए कुछ न कुछ किया। हालेलुया। उनको आशीष दिया, उनको चंगा किया, उनको उनके जीवन को बदल दिया है। हालेलुया। हमारा यीशु तरस खाने वाला यीशु। हालेलुया। यीशु ने जब भीड़ को देखा, यहाँ पर एक भीड़ है, इस भीड़ की विशेषता क्या है? यीशु मसीह का वचन सुनने के लिए, यीशु मसीह को देखने के लिए, यीशु मसीह के द्वारा आश्चर्य कर्म हुए, आश्चर्य कर्मों को देखने के लिए, यीशु मसीह के द्वारा चंगाई को प्राप्त करने के लिए, आशीष को प्राप्त करने के लिए आया हुआ भीड़ यहाँ पर है। हालेलुया। इस भीड़ की विशेषता है, यहाँ 2000 नहीं, 3000 नहीं, लेकिन केवल पुरुषों की संख्या कितना बताए यहाँ पर? 4000। स्त्री और बच्चों की संख्या करके और भी बहुत सारे लोग हैं। मतलब कहने का मतलब एक बड़ी भीड़ है। हालेलुया। यीशु मसीह यहाँ पर तरस क्यों खाया? लिखा है क्योंकि वे 3 दिन से क्या है? मेरे साथ है। यीशु मसीह 3 दिन से इनके इस भीड़ यीशु मसीह के क्या है? 3 दिन से बराबर यीशु मसीह का साथ है। इस भीड़ की विशेषता क्या है? नीचे लिखा इस घटना को आप जानते हैं, इसलिए ज्यादा कुछ विशेष बातों में ही जाऊंगा। जो है इस भीड़ क्या है? यह भीड़ भूखा और प्यासा है। क्या है? भूखा और प्यासा इस भीड़ की विशेषता है। यह 3 दिन से क्या है? भोजन नहीं किया है। नीचे देखेंगे तो यीशु मसीह के विषय में कहता है कि मैं इन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता। क्यों भूखा विदा करना नहीं चाहता? हेलो, क्योंकि क्या है? ये 3 दिन से इस भीड़ ने खाना नहीं खाया है। 3 दिन से ये भूखे, यदि निश्चित तौर पर इन्होंने यदि खाना खाया होता पहला दिन या फिर दूसरा दिन खाना खाया होता या फिर जो है मीटिंग से पहले खाना खाया होता तो यीशु मसीह ऐसा नहीं बोलता, लेकिन कहता है कि मुझे इस भीड़ पर क्या आता है? तरस आता है। हालेलुया। उनके लिए भोजन का उपाय करता है यीशु मसीह। हालेलुया। निश्चित तौर पर हम इसके इतिहास में जाए तो यह भीड़ 3 दिन से भोजन नहीं खाए, उपवास ऐसा नहीं है। हेलो, उपवास, यह भीड़ उपवास मीटिंग चल रहा है ऐसा भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दूसरे सुसमाचार में इस भीड़ की विशेषता लिखा है कि एक बच्चा के पास क्या है? 3 रोटी और 2 मछली है। यहाँ पर 7 रोटी और कुछ छोटी मछली है। हालेलुया। मतलब उस भीड़ के पास क्या है? भोजन है।
भोजन है फिर भी क्या किया इन्होंने भोजन, हेलो भोजन नहीं किया। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के शब्द को सुनकर ये लोग ऐसे हो गए कि इनको भोजन का स्मरण नहीं आया, इनको अपने स्थान का स्मरण नहीं आया, अपने घर का याद नहीं आया, अपने भोजन का याद नहीं आया, लेकिन यीशु मसीह का शब्द सुन के, यीशु मसीह का प्रचार सुन के इनका जो है सारे भूख ऑलरेडी मिट गए हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा भी है, क्या लिखा है, जब यीशु मसीह का परीक्षा करने के लिए शैतान आया, यीशु मसीह को बोला कि क्या है, इस पत्थर को रोटी बनाकर खा ले। क्यों खा ले, क्योंकि क्या है यीशु मसीह 40 दिन के भूखा है, कुछ भी नहीं खाया। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा, मनुष्य के और रोटी से ही नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से क्या रहेगा, जीवित रहेगा। हालेलुया। निश्चित तौर पे परमेश्वर का वचन हमारी शारीरिक भूख को भी क्या करता है, मिटाता है। हालेलुया। यीशु मसीह के शब्द को सुनकर यह भीड़ अपने भूख को भूल गया, अपने घर को भूल गया, अपने और भी चीजों को भूल गया। हालेलुया। अपने व्यक्तिगत कामों को, अपने कार्यों को भूल गया, लेकिन यीशु मसीह का शब्द सुनने के लिए इतना ललाहित है यह भीड़, इतना प्यासा यह भीड़ कि 3 दिन से न तो कुछ इनका व्यक्तिगत काम, न तो इनको कुछ याद आया, न तो इनको भोजन याद आया, न तो इनको कपड़े याद आया, लेकिन एक ही स्थान में 3 दिन से यह भीड़ क्या है, बैठा है, यीशु मसीह का वचन सुन रहा है। हालेलुया। आज भी हमारे जीवन में जब हमें आशीष चाहिए, हमें इस भीड़ के समान होना चाहिए। हालेलुया। लेकिन हमें क्या होता है, ऐसे सभा होगा, मीटिंग होगा, तो हम 50 बार उठकर जाएंगे, जाते कि नहीं, हेलो मीटिंग कितना समय शुरू हुआ, 10 बजे शुरू हुआ, मान लीजिए 1 घंटा चल रहा है 10 बजे 11 बजे तक, तो हम क्या कितनी बार उठकर जाएंगे। आप लोग अच्छे हैं, आप लोग बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कहीं भीड़ में, कहीं चर्च में, मेरे चर्च में अधिकतर होता है जब संडे आराधना अटेंड करता हूँ, तो पहले एक बार एक पहला व्यक्ति जाएगा, उसके बाद दूसरा जाएगा, उसके बाद लगातार वो लोग जाते रहेंगे, मतलब जाते रहेंगे, फिर आएंगे, फिर जाते रहेंगे। हालेलुया। ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। इस भीड़ की विशेषता है भाई और बहन, यह 3 दिन से यीशु मसीह के साथ है। मत्कुस रचित सुसमाचार 8 अध्याय में लिखा है, बराबर वे 3 दिन से यीशु मसीह के साथ है। हालेलुया। आज भी उपवास की प्रार्थना में एक ऐसी सामर्थ्य होती है, उपवास की प्रार्थना में एक ऐसी परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है जो बंधनों को खोलती है, जो श्रापों को। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सब लोग बोर हो गए क्या, हेलो सब लोग, जब कोई भी प्रभु का दास प्रचार करें, है ना, उसकी ओर देखना चाहिए, बाइबिल को बाद में पढ़ना, सब लोग मेरी तरफ देखो, मैं अच्छा नहीं क्या, अच्छा नहीं हूँ फिर भी मत देखना मुझे, परमेश्वर के वचन को देखना। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर कहता है कि यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के तरस खाने का कारण भाई और बहन यहाँ पर यही है कि वे यीशु मसीह के साथ हैं। यदि मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसका 33 पद से आगे पढ़े, यहाँ पर लिखा है, बहुतों ने उन्हें जाते देख कर उन्हें पहचान लिया और सब नगरों से इकट्ठे होकर वहां पैदल दौड़े और उनसे पहले जा पहुंचे। उसने उतर कर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो। हालेलुया। यहाँ पे यीशु मसीह भीड़ पर तरस खाने की भीड़ की बहुत सारी क्वालिटियां बताया गया, क्या क्या, बहुतों ने उन्हें जाते देख कर पहचान लिया, किसको पहचान लिया, यीशु मसीह जिस जगह पर आने वाला था प्रचार करने के लिए, मीटिंग करने के लिए, लोगों ने यीशु मसीह को पहचान लिया, क्या पहचान लिया, कि ये बीमारों को चंगा करता है, अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को चलाता है, हाँ जिसके विषय में भविष्यवक्ता की पुस्तक में, व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है कि जो मसीहा आने वाला है वो हो सकता है यही यीशु नासरी है। इसको पहचान कर वे लोग यीशु मसीह को पहचान कर वहां पर, जहां पर यीशु मसीह का मीटिंग होना था वहां पर यीशु मसीह के जाने के पहले ये क्या हो गया, भीड़ आ गया, क्या लिखा है, बहुतों ने उन्हें जाते देख कर पहचान लिया और सब नगरों से इकट्ठे होकर वहां पैदल दौड़े और उनसे पहले जा पहुंचे। किनसे पहले जा पहुंचे, हेलो किनसे पहले जा पहुंचे, यीशु मसीह के उस स्थान में जाने से पहले भीड़ का क्या हो गया। इस विषय में अच्छा उदाहरण लिखा है यहाँ पर, 5 अध्याय उसका 3 पद से आगे मैं पढ़ रहा हूँ,
केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है और आशा से लज्जा नहीं होता, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मनों में डाला गया है। हालेलुया। आशा की एक अच्छी विशेषता यहाँ पर लिखा है। हालेलुया। आशा कैसे आएगा हमारे जीवन में? हेलो, कैसे आएगा? जब क्लेश आएगा। हालेलुया। क्या लिखा है पहला शब्द यहाँ पर? आशा कहने से कई बार हम आनंदित हो जाते हैं। हालेलुया। मगन हो जाते हैं, लेकिन आशा यूं ही साधारण नहीं आता। हालेलुया। लेकिन आशा यदि हमारे जीवन में होना है, आशा क्या है? लिखा है कि परमेश्वर की महिमा की आशा पर हम क्या करना है? घमंड करना है। महिमा क्या है? ये बहुत सारा विषय है। हालेलुया। महिमा यीशु मसीह, महिमा जो आदम को जो महिमा मिला था, आदम के जीवन से जो महिमा छीन गया, वही महिमा हमको मिलेगा अनंत काल के जीवन में। हालेलुया। हालेलुया। जब प्रभु जब कलीसिया उठा लिया जाएगा, जब हमारा रूपांतरण होगा, तब वह महिमा हमें फिर से दिया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है और आशा से लज्जा नहीं होता, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। परमेश्वर के साथ रहने वालों को परमेश्वर अनुग्रह देता है। क्या अनुग्रह देता है? हम एक भेड़ के समान है। दूसरा, हमारे लिए आशा है, धन्य आशा है कि प्रभु यीशु मसीह मध्य काल में हमें लेने के लिए आएगा, हम उसके साथ स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। तीसरा है पवित्र आत्मा द्वारा दिया गया जीवन, या फिर पवित्र परमेश्वर, जब प्रभु यीशु मसीह के हम साथ रहते हैं, परमेश्वर अपनी आत्मा हमें देता है। क्या करता है? हेलो, अपनी आत्मा हमें देता है, अपनी अगुवाई में हमें चलाता है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर आशा के विषय में सीख रहे हैं, यह आशा मामूली नहीं है, लेकिन सबसे पहले यदि आशा हमारे जीवन में आना है, हमें कष्ट और क्लेशों की परिस्थिति से होकर गुजरना पड़ेगा। हालेलुया। विश्वासी ध्यान दे। हालेलुया। कहता है कि क्लेश से केवल हम क्लेशों में भी गमन करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरे धीरे से खरा निकलना, खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। हालेलुया। आशा सबसे लास्ट में। हालेलुया। क्लेश आएगा, उसके बाद क्लेश के बाद हमारे जीवन में धीरज आएगा, धीरज से हमारा जीवन खराब बनेगा। हालेलुया। हम में खरापन आएगा, खरापन से हमारे जीवन में आशा उत्पन्न होगा। हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद जो है पवित्र आत्मा प्रभु हमें देगा, या फिर पवित्र आत्मा का अभिषेक हमें देगा, वह पवित्र आत्मा अपने लोगों को चलाएगा। किनको चलाएगा? यीशु मसीह के पास आने वालों को नहीं, यीशु मसीह के साथ चलने वालों को नहीं, लेकिन यीशु मसीह के साथ रहने वालों को, अर्थात हम नए 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 नियम के विश्वासियों के लिए इतने सारे अनुग्रह हैं परमेश्वर के पास। हालेलुया। इसके लिए यीशु मसीह के साथ रहने वाले लोगों के लिए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर जब अपनी आत्मा हमें देता है, उसकी पवित्र आत्मा सहायता करता है, हमारे जीवन को वह बदल देता है, हमें उस परमेश्वर के विधियों, उस परमेश्वर के अनुग्रह हमें चलने के लिए हमारी सहायता करता है। इसका उदाहरण परमेश्वर के वचन में। हेलो। हालेलुया। 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 लगता है सब लोग बोर हो गए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा हमें जब अभिषेक देता है, परमेश्वर की आत्मा जब हमारा अभिषेक करता है, हमारे जीवन में एक परिवर्तन आता है। उसका उदाहरण परमेश्वर के वचन में है। मेरे साथ एक वचन निकाले, पहला सामुएल, मेरे साथ एक वचन निकाले, पहला सामुएल। हालेलुया। हालेलुया। बता रहा हूं, दस अध्याय उसका
6-7 पद पढ़े। पहला सामेल 10 अध्याय का 6 और 7 वचन। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबुवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। और जब ये चिन्ह तुझे दिखाई पड़ेंगे तब जो काम करने का अवसर तुझे मिले उसमें लग जाना, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग रहेगा। बस हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, हम सीख रहे हैं परमेश्वर के साथ रहने वाले लोगों के लिए क्या क्या अनुग्रह है। हालेलुया। यहाँ पर कहता है तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर किसके विषय में लिखा है? हेलो, किसके विषय में लिखा है? इज़राइल का सबसे पहला राजा साउल के विषय में यहाँ पर लिखा है। हालेलुया। साउल के जीवन में जो है परमेश्वर का आत्मा उतरने के वर्णन यहाँ पर है। हालेलुया। पुराने नियम की विशेषता यह है कि जिस किसी पर परमेश्वर का आत्मा उतरता था, परमेश्वर अपना काम उसके जीवन के द्वारा करता, उसके बाद फिर से परमेश्वर का आत्मा क्या होता, वापस उसके जीवन से चला जाता था। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन हम नए नियम के विश्वासियों के लिए यह अनुग्रह है, परमेश्वर ने हमें यह अनुग्रह दिया, जो आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है पवित्र आत्मा, वो हमारे जीवन से काम करके फिर से चला जाने वाला आत्मा नहीं, लेकिन हमारे जीवन पर रहने वाला परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। हमें अपनी अगुवाई में चलाने वाला, हम पर प्रभुता करने वाला, हमारी अगुवाई करने वाला परमेश्वर की आत्मा की विशेषता है। हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर के साथ रहने वाले लोगों की विशेषता है। हालेलुया। यहाँ पर कहता है कि तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा। हालेलुया। साउल का जब इज़राइल का राजा होना था, इज़राइल पर जब राजा होकर राज्य करने वाला था साउल, उससे पहले परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रभु ने अपने दास को सामुएल को कहा कि राजा जो है इज़राइलियों ने अपने लिए एक राजा मांगा। परमेश्वर नहीं चाहता था कि उनके ऊपर कोई राज्य करे, उनके ऊपर कोई उनको कोई चलाए, उनके ऊपर कोई प्रभुता हो। हेलो, हालेलुया। परमेश्वर ये नहीं चाहता था कि इज़राइलियों के ऊपर क्या हो, कोई राजा हो, उनके ऊपर कोई शासन करे। क्यों? क्योंकि उनका राजा कोई मनुष्य नहीं, लेकिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही उनका राजा था, उनको चलाने वाला, उनकी अगुवाई करने वाला परमेश्वर ही था। हालेलुया। हालेलुया। आज भी ऐसा होता है। हालेलुया। जब हम अपनी अगुवाई स्वयं करते हैं, परमेश्वर को जब हम अपना जीवन नहीं देते, तब हमारे जीवन में गड़बड़ होता है। हालेलुया। जो हम नहीं चाहते वैसा काम हमारे जीवन में होता है। हालेलुया। लेकिन इस साउल के जीवन में जब परमेश्वर का आत्मा उतर आया, बाइबल कहती है कि इसका स्वभाव क्या हो गया, बदल गया। साउल ने बहुत सारी बातें जो है सॉरी समुएल ने बहुत सारी बातें साउल को कहा कि तू जो है साउल का क्या पिताजी का उसका भेड़ बकरी क्या हो गया था, खो गया था। इस घटना को आप पढ़ लेना, एक एक करके बताने का समय मेरे पास नहीं है। हालेलुया। कहता कि तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा। साउल जब एक उस स्थान में था, तब ये समुएल ने उसको कुछ बातें बताया था कि इस रास्ते से जाना, तुझको एक भविष्यद्वक्ताओं का झुंड मिलेगा और तू भी क्या करना, उनके साथ मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करना, यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू भी क्या करेगा, नबूवत करेगा। कहने का मतलब यह है भाई और बहन, जब परमेश्वर का आत्मा पुराने नियम में पुराने करार के लोगों में जब परमेश्वर का आत्मा उतरता था, परमेश्वर का काम उनके जीवन में क्या होता था, प्रकट होता था, उनका गुण उनका स्वभाव नहीं, लेकिन परमेश्वर उनके जीवन के द्वारा होकर परमेश्वर का स्वभाव क्या होता था, प्रकट होता था। यहाँ पर साउल के विषय में यही है कि तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा। हेलो, साउल कोई पास्टर है क्या? हेलो, इधर ध्यान दो। साउल कोई पास्टर है क्या? नहीं। कोई भविष्य लगता है? नहीं। कोई कलीसिया का अच्छा विश्वासी है? नहीं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है,
कि जब तू उस भेड़ से मिले और नबूवत करने वाले की को भेड़ से मिले तब उनके साथ हो लेना, परमेश्वर का धन्यवाद करना। परमेश्वर का वचन कहता है कि तब यह हुआ तो आत्मा तुझ पर क्या करेगा, बल से उतरेगा। और वैसा ही हुआ जब साउल उस भीड़ को मिला, भविष्यद्वक्ताओं की भीड़ को मिला, जब इसने भी मिलकर आराधना किया, परमेश्वर का आत्मा इस पर बल से उतरा। बल से उतरा मतलब, हेलो, बल से उतरा मतलब इसके पहले ये क्या था, निर्बल था, इसके पहले ये कमजोर था। परमेश्वर के वचन मानने में, आत्मिक रीति से चलने में, परमेश्वर के आज्ञाओं को मानने में, परमेश्वर के व्यवस्था के, परमेश्वर के शब्द को सुनने में क्या था, निर्बल था, कमजोर था। लेकिन बाइबिल कहती है कि तब परमेश्वर का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और लिखा है कि तू क्या करेगा, नबूवत करेगा। हालेलुया। ये भविष्यवक्ता नहीं है लेकिन एक साधारण इंसान है। लेकिन परमेश्वर की आत्मा की क्वालिटी क्या है, जब परमेश्वर का आत्मा हमसे हमारे अंदर आता है, हमारे भीतर आता है, तब हमारे जीवन से ऐसा काम प्रकट होता है जो मनुष्य के लिए करना होना। हालेलुया। जो मनुष्य कर नहीं सकता वो काम, यदि जब परमेश्वर हमारे अंदर है, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, जब हम अभिषिक्त व्यक्ति हैं, परमेश्वर का काम हमारे जीवन से क्या होगा, प्रकट होगा। हालेलुया। ये साउल भविष्यवाणी करने लगा, भविष्यवक्ता नहीं है, लेकिन जब भविष्यवक्ताओं के साथ हुआ, स्तुति किया, परमेश्वर का धन्यवाद किया, परमेश्वर का आत्मा इसके अंदर उतर आया और ये क्या करने लगा, भविष्यवाणी करने लगा। लिखा है नबूवत करने लगा। हालेलुया। नबूवत करने वालों के साथ मिलकर नबूवत करने लगा। हालेलुया। और मुख्य बात लिखा है कि तू और भी मनुष्य में परिवर्तित हो जाएगा। हालेलुया। और भी मनुष्य में परिवर्तित हो जाएगा मतलब भविष्यवाणी करेगा उतना ही ठीक नहीं क्या। हेलो, अभी के चर्च के अभी के कई सेवकों की, बहुत सारे सेवकों की विशेषता यही है क्या, भविष्यवाणी भी करता है, प्रचार भी अच्छा करता है। हालेलुया। कई के विश्वासी, कई कौवे भी, वचन में भी अच्छा चलता है, संगति भी अच्छा करता है, प्रार्थना भी अच्छा करता है, लेकिन क्या नहीं है। हेलो, क्या नहीं है, नीचे क्या लिखा है, क्या कहता है साउल के विषय में कि तू और ही मनुष्य में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, तेरा स्वभाव, तेरा गुण, तेरे देखने का स्वभाव, तेरा बोलने का गुण तेरा नहीं रहेगा, लेकिन होगा किसका, मसीह यीशु का, परमेश्वर का होगा, परमेश्वर की आत्मा का होगा। परमेश्वर का अभिषिक्त व्यक्ति की मुख्य विशेषता यहाँ पर बताया गया, यही है। ये नहीं बोला कि परमेश्वर आत्मिक जन की विशेषता क्या है। हेलो, हम क्या समझते हैं आत्मिक जन की विशेषता क्या है, मस्त क्या करें, प्रार्थना करेगा, मस्त चर्च में बैठा रहे, मस्त कपड़े पहनकर, जूते पहनकर, टाई लगाकर, मस्त साफ सुथरा रहेगा, इसको हम क्या समझते हैं आत्मिक जन, इसको हम क्या समझते हैं पास्टर, बिल्कुल मत समझ। हालेलुया। निश्चित तौर पे प्रभु के दासों का, परमेश्वर के जो जिसको परमेश्वर ने आदर दिया है, उसका आदर करने का हमारा क्या है, कर्तव्य है। लेकिन आत्मिक जन की विशेषता ये नहीं है भाई और बहन की वो भविष्यवाणी करता है, वो अच्छा भेंट देता है, वो अच्छा वचन पढ़ता है। हालेलुया। लेकिन लिखा है कि वो और ही मनुष्य में क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। कई लोग यहीं पर धोखा खाते हैं। हालेलुया। क्या भविष्यवाणी तो करता है, वो हाथ रखता है, बीमार चंगे भी होता है। हालेलुया। लेकिन आत्मिक जन की विशेषता, आत्मिक जन का गुण ये नहीं है, लेकिन लिखा है कि वो और ही मनुष्य में परिवर्तित हो जाएगा। और ही मनुष्य मतलब उसका स्वभाव उसका नहीं रहेगा, लेकिन परमेश्वर का स्वभाव, मसीह यीशु का स्वभाव उसके अंदर हो जाएगा। साउल को परमेश्वर समूएल कहने का मतलब यही था, परमेश्वर का कहने का मतलब यही था कि तू नहीं रहेगा, लेकिन तेरे अंदर से परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का स्वभाव दिखेगा। हालेलुया। हालेलुया। हम यीशु मसीह के साथ रहने वाले लोगों का जीवन आज यही होना चाहिए। हालेलुया। कहता है कि तू और ही मनुष्य में परिवर्तित हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन दुख की बात यही है, यह है क्या कि हम यीशु मसीह के पास तो आते हैं, यीशु मसीह के साथ तो चलते हैं, यीशु मसीह के साथ तो रहते भी हैं, भविष्यवाणी तो करते भी हैं, अन्य भाषा तो बोलते भी हैं कई बार। हालेलुया। लेकिन क्या होता, हमारा जीवन परिवर्तन नहीं होता, हमारा जीवन परिवर्तित नहीं होता, हमारे शब्द में, हमारे देखने में परिवर्तित नहीं होता,
यहाँ पर परमेश्वर के वचन में एक एक भेद है बातें, हालेलुया। इसके जीवन में एक एक बातों में परिवर्तन आया। क्या परिवर्तन आया? क्या करने लगा? भविष्य दाढ़ी करने लगा। हेलो, भविष्य दाढ़ी किसका काम है? परमेश्वर का। हालेलुया, परमेश्वर के वचन की बातें, हालेलुया। इसका शब्द नहीं, हमारा शब्द क्या है? हेलो, हमारा शब्द क्या है? हमारी क्वालिटी क्या है? क्रोध करना, गाली देना, नशा करना, इसके चारे करना, उसके चारे करना, हेलो, इसके विषय में बोलना कि ये ऐसा है, ये वैसा है। लेकिन साउल के अंदर जब परमेश्वर का आत्मा आया, वो और ही मनुष्य में परिवर्तित हो गया। कैसे पता चलता है? भविष्यवाणी करने लगा। पहले भविष्यवाणी करता था क्या? हेलो, पहले भविष्यवाणी करता था? नहीं। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा इसके अंदर आया बल से, ये भविष्यवाणी करने लगा। मतलब इसका बोलने का तरीका क्या हो गया? हेलो, बोलने का तरीका बदल गया। पहले क्या बोलता था? पहले गाली देता था। गाली नहीं देता होगा, लेकिन आपके समझने के लिए बता रहा हूं। हालेलुया। पहले क्या करता था? इसका शब्द था। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा इसके अंदर आया, क्या हुआ? भविष्यवाणी करने लगा। गाली का शब्द, क्रोध का शब्द, श्राप देने का शब्द इसके जीवन से अलग हो गया, बदल गया। परमेश्वर का शब्द इसके अंदर आया। हालेलुया। देखने का तरीका भी बदल गया। वो कैसे? हेलो, हेलो, वो कैसे? दर्शन देखता है ना? हेलो, दर्शन देखता है ना? हाँ, ये है परमेश्वर का आत्मा की विशेषता। हालेलुया, हालेलुया। क्या करता है? पहले क्या देख करता है? उससे पहले और अच्छा दर्शन देखता है। क्या क्या? मोबाइल में। हेलो, मोबाइल में, टीवी में। क्या क्या दर्शन देखते हैं? सास बहू का। हालेलुया। और क्या क्या? बहुत सारा है, ये दर्शन देखता है। लेकिन जब इसके ऊपर साउल के अंदर परमेश्वर का आत्मा आया, इसका शब्द बदल गया, इसका देखने का नजरिया बदल गया। पहले क्या देखता था? इंसान के बाहरी रूप को देखता था। दाऊद के विषय में लिखा है ना कि मनुष्य का देखना क्या है? परमेश्वर का देखना मनुष्य का सा नहीं। मनुष्य क्या करता है? हमारे बाहरी रूप को, हमारे पहनावे और को देखता है। लेकिन लिखा है परमेश्वर की दृष्टि उसके मन पर रहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के देखने का तरीका यही है। वो हमारे बाहरी रूप को नहीं, लेकिन हमारे हृदय को देखता है। जो मनुष्य नहीं देखता, वो परमेश्वर देखता है। जब परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का अभिषेक हमारे अंदर रहता है, हम वो नहीं देखते जो हमें देखना चाहिए, लेकिन हम उन चीजों को देखते हैं जो परमेश्वर हमें दिखाता है। हालेलुया। जो परमेश्वर देखता है, उन चीजों को हम देखते हैं। कब? जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर रहता है। हालेलुया। साउल का के अंदर जब पवित्र आत्मा आया, परमेश्वर का आत्मा इसके अंदर बल से उतरा, ये क्या हो गया? और ही मनुष्य में परिवर्तित हो गया। इसके जीवन में परिवर्तन होने लगा। क्या क्या परिवर्तन आया? इसके शब्द में चेंज आ गया, बदलाव आ गया। पहले अपनी भाषा बोलता था, लेकिन अब क्या है? अब पवित्र आत्मा की भाषा बोल रहा है, अब परमेश्वर का भाषा बोल रहा है। पहले देखता कुछ और था, लेकिन अब क्या देखता है? अब जो परमेश्वर इसे देखने के लिए बोलता है, वो देखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लिखा है कि ये और ही मनुष्य में क्या हो गया? परिवर्तित हो गया। हालेलुया। पहला हमने क्या सीखा? हम एक भेड़ के समान होना चाहिए। दूसरा, परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? आशा दिया है। तीसरा क्या है? परमेश्वर ने अपनी आत्मा हमारे अंदर डाला है। कैसे डाला है? जैसे इस साउल के अंदर था वैसे नहीं, हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा साउल के अंदर आया, गया, अपना काम किया, उसके बाद वापस लौट गया। लेकिन हम नए नियम के विश्वासियों की विशेषता यही है, परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का आत्मा जो हमारे अंदर दिया गया है, वापस नहीं लौटेगा। लेकिन हमारी गलती, हमारी बुराई के कारण जाता है परमेश्वर का आत्मा, शोकित होता है, परमेश्वर का आत्मा भूल जाता है, वो अलग बात है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने जो हमें आशा दिया है, वो आशा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसको दृढ़ता से थामे रहने की आवश्यकता है। हेलो, हालेलुया। जो आशा परमेश्वर ने हमें दिया है, उसको दृढ़ता से क्या करना है? थामे रहने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि यदि हमारे पास हम आशा रहित व्यक्ति हैं, यदि हमारे पास आशा नहीं है, तो हमारे पास क्या है? मसीह जीवन में कुछ भी नहीं है। हेलो, यदि हमारे पास आशा नहीं है, तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम मसीह में स्थिर भी नहीं रह सकते। एक निराश,
एक निराशा भरा जीवन हमारे पास होगा यदि हमारे पास आशा नहीं तो। आशा की विशेषता बहुत बड़ी है। हालेलुया हालेलुया। इब्रानी के पत्र में लिखा है, क्या लिखा है, छह अध्याय उसका 19 पद में लिखा है, वह आशा हमारे प्राण के लिए एक ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर क्या करता है, पहुंचाता है। आशा की सबसे महत्वपूर्ण हालेलुया क्या करता है, वह आशा हमारे प्राण के लिए एक ऐसा लंगर है। संसार की आशा नहीं, संसार की आशा क्या है, मरी हुई है। हेलो, संसार की आशा मरी हुई आशा है। हालेलुया हालेलुया। संसार के लोग आशा तो रखते हैं लेकिन उनका आशा क्या होता है, पूरा हो नहीं पाता। हालेलुया। लेकिन हमारी आशा जब हमने मसीह पर विश्वास किया, हमारी आशा की विशेषता है वो हमारा आशा एक दिन पूरा होगा। हालेलुया। वह हमारे प्राण के लिए लंगर है। आशा के विषय में उदाहरण भी देता है पौलुस प्रेरित यहाँ पर। आशा क्या है, लंगर के समान है। हेलो, लंगर का मतलब क्या है, लंगर जानते हैं? हेलो, लंगर जानते हैं? नाव देखा है, नाव देखा है? जब मैं छोटा था पहले, यहाँ मेरा मामा गांव पचोरी है, कहाँ है, पचोरी है नदी के इस पार। जब मैं छोटा था ना, वहां से मम्मी बहन लोग आते थे मामा गांव, तो नाव चढ़ कर आना पड़ता था। बहुत पहले की बात है, नाव चढ़ कर आना पड़ता था, नाव चलता था पहले, ये बाइक वाइक गाड़ी वाड़ी का ज्यादा सुविधा नहीं था, नाव चढ़ कर आना पड़ता था। कई बार मैं नहीं आता, तो नाव ही क्या करता है ना? और जब नाव को स्थिर रखने का समय आता है तब एक लंगर, या तो लंगर एक लकड़ी का बनाया जाता है या फिर एक पत्थर का, मैंने लकड़ी का देखा है। नाव पर एक लकड़ी रहता था, उससे नाव जो है एक डोर से बंधा रहता था, और लकड़ी को नाविक जो है जब नाव को स्थिर करना पड़ता था करना होता था, उस समय जो है लकड़ी को क्या करता था, सूखे जमीन में गाड़ता था कि नाव लहर में गहरे में न चला जाए। मेरी बातों को समझ रहे हैं क्या? हेलो, हालेलुया हालेलुया। ये आशा हमारे लिए लंगर के समान है। किसके लिए? हमारे प्राण के लिए। हालेलुया। ये लंगर को, नाव को स्थिर रखने के लिए अभी के समय में समझने के लिए क्या है, ब्रेक। हालेलुया। गाड़ी को रोकने के लिए क्या है, ब्रेक है ना? वैसे ही ये आशा, ये लंगर क्या है, नाव को रोकने के लिए ब्रेक है। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पर कहता है कि वह आशा हमारे प्राण के लिए एक ऐसा लंगर है जो स्थिर और क्या है, दृढ़ है। हालेलुया। ये आशा रहित विश्वासी कभी भी सिद्धता में नहीं पहुंचता, लेकिन यदि हमारे पास आशा है तो हम जो है उस सिद्धता में उस मसीह के पास भी पहुंचेंगे। हालेलुया हालेलुया। कहता है कि वह आशा हमारे प्राण के लिए एक ऐसा लंगर है जो दृढ़ और स्थिर है, और कहता है कि पर्दे के भीतर पहुंचाता है। हालेलुया। अब ये नाव की विशेषता क्या है, आशा रहित विश्वासी की विशेषता क्या है, वो निराश रहेगा। उसको कितना भी वचन समझाओ, कितना भी अनंत जीवन की बातें बताओ, उसको समझ में नहीं आता, ऊपर से उसको गुजरता रहेगा। चिड़िया के समान ऊपर से सब चीजें गुजर जाएगा। हालेलुया। लेकिन आशा रखने वाला विश्वासी को अनंत जीवन की बातें, परमेश्वर का वचन उनको समझ में आएगा। हालेलुया। एक हमारे सर ने एक उदाहरण बताया, एक छोटी बच्ची था, उसका पूरा गवाही मुझको स्मरण नहीं आ रहा है। एक छोटी बच्ची था, वो भी प्रभु पर विश्वास करता था। उसका पिताजी एक शराबी व्यक्ति था। हेलो, उसका पिताजी एक शराबी व्यक्ति था, और उसको कहीं कुछ लाने के लिए भेजा। जब ये अपने घर से निकली ये बच्ची, तब सामान लेने के लिए जा रही थी, तब इसको कहीं से आराधना का शब्द सुनाई दिया। कहीं पर आराधना चल रहा था, आराधना का शब्द इसको क्या हुआ, सुनाई दिया। ये बच्ची क्या हुई, आराधना में चली गई, आराधना अटेंड की, पूरा 3 घंटे तक आराधना अटेंड की, परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति आनंद को प्राप्त किया। इसको इतना प्यास था परमेश्वर के लिए जैसे इस भेड़ को था, वैसे ही इसको क्या हो गया, ये भूल गए। इसके पिताजी इसको क्या मंगाए, सामान मंगाया उसको लाने के लिए, भूल गए। जब मीटिंग समाप्त हुआ तब इसको याद आया, अरे मेरा पिताजी मुझको क्या दिया था, काम दिया था, उस काम को मैंने किया। इसका पिताजी शराबी होने के कारण गुस्से से भर गया, अपनी बच्ची को ढूंढने के लिए निकल गया था। जब देखा इसके बेटी चर्च से बाहर आई, जब देखा
तो इसका पिताजी क्रोध से भर गए और वो गवाही मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है। इसका पिताजी इसको शायद लात मारता है। ये बच्ची क्या हो जाती है संभाल लेकर जब घर में आती है, इसका पिताजी क्रोध से भर जाता है कि इतने टाइम तक कहाँ रही। जब इसको लात से मारता है इसका बच्ची गिरता है और इसका अपना प्राण छोड़ देता है, त्याग देता है। हालेलुया, मर जाता है यह बच्ची। हालेलुया, कहने का मतलब क्या है? मतलब इस बच्ची के जीवन में अपने पिता के लिए नहीं लेकिन परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के संगति के लिए क्या है, इतना प्यास है, इतना लगन है कि उसको इस संसार को भौतिक जीवन प्रिय नहीं है। हालेलुया, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए जितना प्रिय इस बेटी के लिए संगति और प्रार्थना था, उससे कहीं जो है ये संसार उसके लिए उतना प्रिय नहीं था। हालेलुया, आज भी हमारे लिए परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर का वचन प्रिय होना चाहिए। हालेलुया, कहते हैं कि वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो दृढ़ और स्थिर है। हालेलुया, हालेलुया। लंगर ही का उदाहरण पौलुस प्रेरित यहाँ पर क्यों दिया? हेलो, यहाँ पर नाव को भी जोड़ता है। हालेलुया, क्या है नाव? अब नाव कहाँ चलता है? हेलो, थोड़ी देर, 10-5 मिनट है मेरे पास। हालेलुया, ये नाव कहाँ चलता है? हेलो, नाव कहाँ चलता है? नाव देखा है? नाव जहाज देखा है? कहाँ चलता है? मेन रोड में, खेत में। कहाँ चलता है? हेलो, कहाँ चलता है? किस में चलता है? पानी में। कैसे चलता है? मस्त बाइक चलाता है पास्टर साहब, ऐसे चलता है नहीं, लेकिन कैसे चलता है? हेलो, नाव कैसे चलता है पानी में? हिलोरे मारते हैं। कैसे हिलोरे मारते हैं? ऐसा लगेगा उसको देखकर कि अब डूबेगा कि तब डूबेगा, अब नाश होगा कि तब नाश होगा, लेकिन क्या होता है? नाश नहीं होता, लेकिन उस नाव में भी, उस विपरीत परिस्थितियों में भी, उस समुद्र में भी यह नाव क्या होता है? अपने मंजिल तक पहुंचता है। कहने का मतलब क्या है? हमारा जीवन एक नाव के समान है। ये लंगर हमारी एक आशा है जो हमें सिद्धता तक, स्वर्ग के राज्य तक पहुंचाएगा। वो आशा हमें किस पर रखना है? मसीह पर। आप सोचेंगे कि मैं विश्वासी हूं, मैं सेवक हूं, मेरे जीवन में दुख नहीं आना चाहिए, विपरीत परिस्थितियां नहीं आना चाहिए, कष्ट और क्लेश नहीं आना चाहिए, कभी नहीं होगा। हालेलुया, नाव कैसे चलता है? हिलोरे मारते, ऐसा लगता है कि डूब जाएगा। हमारे नाव रूपी जीवन भी इस संसार में रहते समय हिलोरे मारते हिलते डुलते जाएगा। तो यह मत सोचना कि हम नष्ट हो जाएंगे, हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। विपरीत परिस्थिति है, बीमारी की परिस्थिति है, कर्जा की परिस्थिति है, कष्ट और क्लेशों की परिस्थिति है, उसके बावजूद भी आपके लक्ष्य तक आपको, आपका आशा जो आपने मसीह पर रखा है, वो आपको कहाँ पहुंचाएगा? सिद्धता में पहुंचाएगा। हालेलुया, हमारा जीवन एक नाव के समान है। यहाँ पर पौलुस प्रेरित लंगर का उदाहरण इसीलिए देता है, वह नाव को भी सामने रखता है। नाव पानी में चलता है, नाव के, नाव रूपी हमारा जीवन यदि इस संसार रूपी समुद्र में यदि विपरीत परिस्थितियों में होकर चल रहा है, जा रहा है, तो यह मत सोचना कि हर समय हमारे जीवन में क्या होंगे, सुख आएंगे, सुविधाएं आएंगी, शांति आएंगी, ऐसा नहीं होगा। दुख भी आएगा, विपरीत परिस्थितियां भी आएगा, लेकिन नाश नहीं होगा। विशेषता क्या है? नाश नहीं होगा, तेरा जीवन डूबेगा नहीं, लेकिन क्या लक्ष्य तक पहुंचेगा। हालेलुया, लिखा है कि और पर्दे के भीतर पहुंचाता है। पर्दे के भीतर क्या है? हेलो, हालेलुया, तीन चार दिन का प्रचार है, लेकिन आपको 1-2 घंटे में समझा रहा हूं ताकि आप समझे। हालेलुया, पर्दे के भीतर मतलब क्या है? हेलो, पुराने समय में आराधना करने के लिए क्या होता था? मिलाप वाला तंबू होता था। उस तंबू में कि तीन भाग, क्या क्या? आंगन, पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान। हालेलुया, उसकी आराधना करने की विधि आप जानते होंगे, पास्टर साहब ने आपको सिखाया। हालेलुया, आंगन, पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान। अति पवित्र स्थान में क्या होता था? वाचा का संदूक, उस संदूक के ऊपर परमेश्वर की सकीना उतर आता था, परमेश्वर के करूब हुआ करता था। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर की उपस्थिति का एक महान स्थान क्या था? अति पवित्र स्थान, वाचा का संदूक। हालेलुया, जो एक पर्दे से क्या होता था? ढका हुआ था,
हालेलुया। उसके उसके अति पवित्र स्थान में कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता था। वचन के अनुसार एक महायाजक के साल में कहा जाता था एक बार उस अति पवित्र स्थान में पहुंचता था। हेलो, साल में एक बार अति पवित्र स्थान में क्या करता था, महायाजक पहुंचता था। बाकी किसी को जाने का अधिकार नहीं था। वो भी कैसे जाता महायाजक, अपने जीवन को शुद्ध करके पवित्र करके डरता हुआ कांपता हुआ कहां जाता था, महापवित्र स्थान में जाता था। यदि छोटी सी भी बुराई पाप इसके जीवन में क्या होता था, इसके जीवन में दंड प्रकट होता और ये क्या होता, मार डाला जाता। हालेलुया। जिसके कारण अपने आप को पहले से यदि परमेश्वर के महायाजक को साल में एक बार वहां जाना है तो पहले से अपने आप को शुद्ध बनाए रखता, पवित्र बनाए रखता, उसके बाद परमेश्वर के सेवक ले क्या करता था, वहां जाता था। लेकिन हमारे जो है यीशु मसीह के पास आने वालों के लिए नहीं, यीशु मसीह के साथ चलने वालों के लिए नहीं, लेकिन यीशु मसीह के साथ साथ रहने वालों की भीड़ की विशेषता उसके लिए अनुग्रह यही है कि वे क्या कर सकते हैं, अति पवित्र स्थान में जहां जाने का अनुग्रह नहीं था उस स्थान में जाने का अनुग्रह हमको परमेश्वर ने क्या किया, दिया है। हालेलुया, हालेलुया। कितनी आनंद की बात है कि पर जहां याजक नहीं जा सकता था और महायाजक साल में एक बार जा सकता था, कोई साधारण विश्वासी नहीं पहुंच सकता था, उस अनुग्रह में अर्थात परमेश्वर के निकट परमेश्वर के बढ़ोतरी में जाने का अनुग्रह परमेश्वर ने क्या किया, हमको दिया। पर क्या कहता है, आप पर्दे के भीतर पहुंचाता है। पर्दे के भीतर कहा, महापवित्र स्थान या फिर अति पवित्र स्थान में क्या करता है, परमेश्वर हमें पहुंचाता है। कब पहुंचाता है, जब हम परमेश्वर के साथ साथ रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वहां पर जाने का अनुग्रह हिवाय किसी को नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने हमें दिया हमारे कर्म के कारण। हालेलुया, हमें अपनी आत्मा दिया, हमको बदल दिया, हमारे स्वभाव को हमारे जीवन को बदल कर परमेश्वर ने ऐसा बनाया, ऐसा किया कि हम उस अनुग्रह अर्थात उस परमेश्वर के निकट हम आ सकते हैं। हालेलुया। पर्दे के भीतर हमें पहुंचाया, पुराने नियम में किसी को परमेश्वर की उपस्थिति परमेश्वर के निकट अति पवित्र स्थान या फिर महापवित्र स्थान में जाने का हिवाय नहीं था। परमेश्वर ने 2019 साल पहले कलवरी क्रूस पर बलिदान होके जो है प्रत्यक्ष रूप में क्या है उसको पर्दे को तोड़ दिया, जो परमेश्वर और हमारा परमेश्वर के पास जो हमें पहुंचना था, हमारा और परमेश्वर के बीच क्या था, एक दीवाल था, पाप का एक दीवाल था, उस पर्दे के रूपी समान एक दीवाल था। हालेलुया, एक फुट था परमेश्वर के पास जाने के। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा क्या किया, हमको और हमें परमेश्वर से क्या किया, मेल करवाया। हालेलुया, हालेलुया। हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ। हालेलुया। लेकिन यह जो है आशा जो है जो प्रभु यीशु मसीह पर है उसको बनाए रहने की आवश्यकता है। हालेलुया, तब हम हिमाय के साथ परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। हालेलुया। बाइबल में 3-4 लोगों ने यह आशा अपने जीवन में बनाए रखा। कौन कौन, हेलो, दो जने की उदाहरण बताऊंगा उसके बाद वचन पक्का समाप्त करूंगा। हालेलुया। 5 बुद्धिमान कौन, उसको आशा था। क्या आशा था, मेरा दुल्हा आएगा मुझको लेने के लिए और लेकर जाएगा। पुराने नियम में किसको आशा था, हेलो, इसहाक की पत्नी रिबिका को, किसको, इसहाक की पत्नी को, पत्नी रिबिका को। हालेलुया, उसको आशा था मेरा पति आएगा और मुझको लेकर जाएगा। आज भी आत्मिक अर्थ ये है भाई और बहन, हम कलीसिया जो प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है उनको एक आशा रखना चाहिए। जब परमेश्वर ने हमको अपने साथ रहने का अनुग्रह दिया, अपने पास आकर चले जाने का नहीं, अपने साथ जो है अपने साथ चलने का नहीं, लेकिन अपने साथ साथ रहने का अनुग्रह दिया परमेश्वर ने, अति महापवित्र स्थान में आने का अनुग्रह दिया परमेश्वर ने, हमको एक भेड़ का अनुग्रह दिया, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा को दिया ताकि वह पवित्र आत्मा हमें चलाए, हमारी अगुवाई करे। हालेलुया। उस परमेश्वर के निकट हम क्या करें, उस मसीह पर हम आशा रखें। हालेलुया, हालेलुया। हर परिस्थिति में जब हम सेवक लोग कई बार बहुत निराश हो जाते हैं, सेवकाई के समय विपरीत परिस्थितियों को देखकर, कलीसियाओं की परिस्थितियों को देखकर हम निराश हो जाते हैं,
हालेलुया। लेकिन हम सेवकों को भी उस मसीह से पर क्या आशा रखने की जरूरत है। हालेलुया। हमारे प्राण के लिए वह लंगर है, हालेलुया, जो हमारे नौ रूपी जीवन को कहां पहुंचाएगा, हमारे लक्ष्य तक, एक सही स्थान तक, अर्थात स्वर्ग के राज्य तक हमें पहुंचाएगा। हालेलुया। किसको? आशा रखने वाला व्यक्ति। हालेलुया। परमेश्वर के साथ साथ चलने वाली भीड़ को, परमेश्वर के साथ रहने वाली भीड़ को, परमेश्वर के साथ रहने वाले व्यक्ति को। हालेलुया। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष प्रदान करें। आगे के समय प्रभु के दास को आइए। इस वक्त हर एक जने अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। सुने गए वचन के अनुसार हम अपने देह प्राण आत्मा को इस महान परमेश्वर को भेड़ खाने का भयंकर इच्छा। क्या खाने का? भेड़ खाने का। चिकन खाकर देख लिया, मछली खाकर देख लिया, और क्या क्या खाकर देख लिया, वो इतना कद्दू का आदमी कि भेड़ खाने की इच्छा रही। हालेलुया। और बोला कि भेड़ खाएंगे, क्योंकि बाइबल में भेड़ का वर्णन है, जरूर इसमें कुछ आशीष होगा। हालेलुया। दो सप्ताह पहले हम लोग काशी डी गए थे, उनके चर्च की तरफ एक गांव है, वहां से हम लोग भेड़ लाए। जब मैं पकड़ कर बैठा था, मैं डर रहा था कि कहीं भेड़ मेरे ऊपर न चढ़ जाए। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन वाकई में बाइबल में जैसा भेड़ के स्वभाव के बारे में लिखा है, वैसा ही भेड़ है, उससे बढ़कर। हालेलुया। भेड़ के विषय में लिखा है कि वो क्या है, साधारण जानवर है, सीधा साधा। हालेलुया। हिंसक स्वभाव का नहीं, झगड़ालू स्वभाव का नहीं, उसका सिंह नहीं होता मारने के लिए। हालेलुया। लेकिन कई भेड़ का सिंह भी होता है चर्च में आने वालों का। हालेलुया। हालेलुया। सिंह वाले भेड़ को नहीं, लेकिन बिना सिंह वाले भेड़ को प्रभु पसंद करता है। हालेलुया। हालेलुया। जब भेड़ को लाया ना, मैं बाइक में बैठा था उसको, तो एकदम मस्त बेचारा चुपचाप बैठा था, एक भी हिला विला नहीं। मैं डर रहा था कि हड़बड़ाया मत, बाइक से खुद मत जाए करके मैं डर रहा था, लेकिन उसको उठा कर लाया, आराम से आया। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो। हालेलुया। यीशु मसीह इस भेड़ को जब यीशु मसीह ने देखा, यह भेड़ के समान यीशु मसीह की दृष्टि में नजर आया। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह तीन प्रकार से लोगों पर तरस खाता है। क्या क्या? पहला है यीशु मसीह के पास आने वालों पर। हेलो। पहला, यीशु मसीह के पास आने वालों पर। जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास करता है, चंगाई के लिए, आशीष के लिए यीशु मसीह के पास आता है, प्रभु उस पर भी तरस खाता है। सुसमाचार में बहुत सारी घटनाएं हैं, एक एक को बोलने का समय नहीं है मेरे पास, जो है एक विद्व जो है यीशु मसीह ने कई एक लोगों पर तरस खाया। एक सूबेदार आया अपने दास के लिए, उसका दास क्या था, बीमार था, यीशु मसीह ने उस पर भी क्या खाया, तरस खाया, उसको चंगा किया। हालेलुया। कहने का मतलब यही है, यीशु मसीह के पास आने वालों पर भी यीशु मसीह क्या करता है, तरस खाता है। दूसरे भेड़ की विशेषता यह है, यीशु मसीह के साथ रहने वालों पर भी यीशु मसीह क्या करता है, तरस खाता है। हालेलुया। यीशु मसीह के पास आने वालों पर प्रभु तरस खाता है, अपने साथ रहने जो है यीशु मसीह के साथ चलने वालों पर, उसके साथ चलने वालों पर भी यीशु मसीह तरस खाता है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि इकट्ठे होकर वे उनसे उनसे पहले पैदल दौड़े। हालेलुया। यीशु मसीह तरस खाकर इस भीड़ के लिए क्या क्या किया, लिखा है कि इस भीड़ को, दूसरे सुसमाचार में लिखा है कि तरस खाकर यीशु मसीह ने इस भीड़ को क्या किया, चंगा किया। हालेलुया। यीशु मसीह के जब पास आया, यीशु मसीह ने इस भीड़ पर तरस खाया, उसको चंगा किया। यीशु मसीह के साथ चलने वाले भीड़, जब यीशु मसीह के साथ चलने वाले लोग के ऊपर भी प्रभु तरस खाता है, उन पर तरस खा के प्रभु ने उनको उनके लिए भोजन का उपाय किया। इस भीड़ के लिए क्या किया, हेलो, भोजन का उपाय किया। तीसरा भीड़ की विशेषता है, यीशु मसीह के साथ रहने वालों। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है कि वे तीन दिन से क्या थे, यीशु मसीह के
साथी। हालेलुया हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर? तीन दिन से यह भीड़ क्या है? यीशु मसीह का साथ है। लिखा है कि मुझे इस भीड़ पर तरस आता है क्योंकि वे तीन दिन से मेरे साथ है। हालेलुया। कहने का मतलब यही है भाई और बहन, प्रभु यीशु मसीह तरस खाने वाला परमेश्वर है। जो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, अर्थात एक बार चर्च से आता है, प्रभु पर विश्वास करता है, मन से जो है मुंह के द्वारा अंगीकार करता है, मन से विश्वास करता है, प्रभु उस पर भी तरस खाता है, उसको चंगा करता है। कई बार हम सेवक लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, क्या कि यदि मान लीजिए कोई प्रभु के पास आया, प्रभु ने उसको चंगा किया, लाइलाज बीमारियों से प्रभु ने उसको चंगा किया, उसको छुटकारा दिया, लेकिन वो क्या करता है? फिर से विश्वास से भटक जाता है। हम सोचते हैं कि प्रभु इसको चंगा ही क्यों किया। हालेलुया। क्या सोचते हैं? प्रभु इसको चंगा ही क्यों किया जब ये चर्च में ठहरने वाला व्यक्ति नहीं था। हाँ, चर्च में जा प्रभु इन बातों को नहीं जानता है क्या कि कौन विश्वास योग्य है, कौन आने जाने वाला है? प्रभु इन बातों को नहीं जानता है क्या? बिल्कुल जानता है। हालेलुया। लेकिन फिर भी प्रभु क्या करता है? उसके पास आने वालों पर भी प्रभु क्या करता है? तरस खाता है। उसके साथ चलने वालों को भी प्रभु तरस खाता है। उसका उदाहरण क्या है? सबसे अच्छा उदाहरण है सैमोन जादू करने टोना करने वाला का, कहा प्रेरितों के काम में। हालेलुया। निकालूंगा नहीं। वहां पर क्या किया? उसको फिलिप्पुस के साथ रहने के लिए प्रभु अनुमति दिया। उसका काम क्या था? उसका काम गलत काम था। हालेलुया। परमेश्वर का जन नहीं था, लेकिन प्रभु ने फिर भी उसको अपने साथ रहने दिया, उस पर तरस खाया। हालेलुया। फिलिप्पुस के साथ रहा, सेवकाई करता रहा। उसने देखा, सैमोन टोना करने वाले ने देखा कि प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा कैसे काम करता है, कैसे चंगा करता है, कैसे लोग मन फिराते हैं, कैसे परमेश्वर का दास उनके लिए उनके भविष्य के बारे में बताता है, उनको चंगा करता है, कैसे उन पर हाथ रखता है, वे लोग पवित्र आत्मा पाते हैं। हालेलुया। भविष्य को पाते हैं। कहने का मतलब यही है, यीशु मसीह अपने पास आने वालों पर भी तरस खाता है, अपने साथ रहने अपने साथ चलने वालों को पर भी क्या करता है? तरस खाता है। लेकिन उससे बढ़कर सौभाग्यशाली भीड़ हुआ है, उससे बढ़कर सौभाग्यशाली इंसान हुआ है जो यीशु मसीह के साथ साथ रहता है। हालेलुया हालेलुया। भाई और बहन, इस भीड़ की विशेषता यही है कि ये यीशु मसीह के पास आकर रुक नहीं गया, यीशु मसीह के साथ चलकर रुक नहीं गया, लेकिन यीशु मसीह के साथ साथ रहा। हालेलुया। इस भीड़ की विशेषता क्या है? बराबर तीन दिन से ये क्या है? भीड़ यीशु मसीह के साथ साथ रहा। हालेलुया। कहता है कि वे तीन दिन से मेरे साथ है। मरकुस में लिखा है कि वे बराबर तीन दिन से मेरे साथ। हालेलुया। मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता। तीनों भी आपको समझना होगा मेरी बातों को, तीनों कैटेगरी के लोगों पर प्रभु यीशु मसीह ने तरस खाया। पहला क्या है? यीशु मसीह के पास आने वालों पर भी यीशु मसीह ने क्या खाया? तरस खाया। उसको भी आशीष दिया, उसको भी चंगा किया। हालेलुया। दूसरा, यीशु मसीह के साथ जो है चलने वाले भीड़ पर भी यीशु मसीह ने क्या किया? तरस खाया, उसके उसको भी चंगा किया, उसके लिए भोजन का उपाय किया। लेकिन उससे बढ़कर आशीष, उससे बढ़कर अनुग्रह हमें तब मिलता है जब हम यीशु मसीह के साथ साथ रहते हैं। हालेलुया। इस भीड़ की विशेषता क्या है? ये बराबर तीन दिन से यीशु मसीह के साथ साथ है। यीशु मसीह के पास आया, वचन सुना, उसके बाद चला गया, यानी यीशु मसीह के साथ आया, तीन दिन तक रहा, जो है हम दो दिन तक रहा, एक दिन तक रहा, चला, उसके बाद आना जाना किया, ये भी नहीं, लेकिन लिखा है सुसमाचार में कि बराबर ये भीड़ क्या किया? तीन दिन से यीशु मसीह के साथ साथ रहा। कैसे रहा? बिना भोजन किए, बिना अपने घर गए, बिना जो है अपने अपने व्यक्तिगत कार्यों को छोड़कर, अपने कई बातों को छोड़कर, ये क्या है? यीशु मसीह के साथ साथ है। हालेलुया। क्यों है? क्योंकि परमेश्वर के शब्दों में ऐसा सामर्थ है कि उनके शारीरिक भूख को भी परमेश्वर का वचन क्या किया? मिटा दिया। हालेलुया। यदि हम हमारे जीवन के हमारे जीवन में यदि हम आर्थिक बातों के लिए यदि चिंता करते हैं,
आप भौतिक बातों के लिए अधिक चिंता करते हैं, रोटी कपड़ा मकान के लिए अधिक चिंता करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि ये भीड़ क्या रहा, यीशु मसीह के साथ साथ रहा, यीशु मसीह के साथ रहा। प्रभु ने क्या किया, उसकी चिंता किया। लिखा है कि मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि वे मार्ग में रहकर थक जाए। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात लिखा है, क्या लिखा है, मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि वे मार्ग में थक कर रह जाए। हालेलुया। यीशु मसीह का कर्तव्य कहां तक बनता है, हेलो, यीशु मसीह का कर्तव्य कहां तक बनता है। ये भीड़ क्या किया, यीशु मसीह के साथ रहा, यीशु मसीह का वचन सुना, उसके आनंद को प्राप्त किया। अब क्या हो गया, मीटिंग समाप्त हो गया, सब लोग कहां अपने अपने घर जा रहे हैं। हालेलुया। लेकिन यीशु यहाँ पर कहता है कि मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता कि वे मार्ग में थक कर रह ना जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने उनको भोजन दिया, लेकिन कहता है कि मार्ग में थक कर रह ना जाए। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यही है, यीशु मसीह इस भीड़ को केवल अपने पास रहने तक ही आशीष देना नहीं चाहता, अपने साथ रहने तक ही आशीष देना नहीं चाहता, अपने पास आने तक ही आशीष देना नहीं चाहता, लेकिन यीशु मसीह के साथ रहने वाले भीड़ को की विशेषता यही है। यीशु मसीह के साथ रहने वाले भीड़ के विषय में यीशु यही सोचता है, उसके आगे के जीवन के बारे में, आगे के भविष्य के बारे में भी सोचने वाला हमारा प्रभु है। हालेलुया, बात समझ में आया। हालेलुया, यीशु मसीह इनके विषय में, इनके आगे के जीवन के विषय में भी सोचता है, इनके भविष्य के विषय में भी सोचता है। किसके लिए, जो यीशु मसीह के पास आया उसके लिए नहीं, जो यीशु मसीह के साथ चला उसके लिए नहीं, लेकिन जो बराबर 3 दिन से यीशु मसीह के साथ है उनके आगे के जीवन के लिए, आगे के भविष्य के लिए सोचने वाला भी उनका एक प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। कहता है कि मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि वे मार्ग में थक कर रह जाए। मतलब यीशु मसीह का कर्तव्य यहाँ पर समाप्त हुआ है। कहाँ पर, जब मीटिंग समाप्त हुआ, यीशु मसीह अपने रास्ते, भीड़ अपने रास्ते, लेकिन यीशु मसीह ने इनके लिए सोचा, इनके लिए चिंता किया। क्या चिंता किया, इनके आर्थिक बातों के लिए चिंता किया कि यदि ये भूखा रहे, भूखा ही चले जाए तो मार्ग में हो सकता है जाकर ये लोग क्या हो जाए, भोजन नहीं किए हैं तो थक जाएंगे, ये लोग गिर जाएंगे। हालेलुया। आज भी हमारी चिंता से बढ़कर परमेश्वर हमारे लिए चिंता करता है, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि चिंता करके यह ना कहना कि मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, क्या पहनूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने उदाहरण भी दिया, क्या उदाहरण दिया, कौओं पर ध्यान करो। हालेलुया। कौओं पर क्यों ध्यान करो, हेलो, कौओं पर क्यों ध्यान करो, कौआ क्या करता है, मस्त आलसी प्राणी है, मस्त उड़ता है, लालची भी है, दूसरे का भोजन छीन कर खा लेते हैं, उसको ना तो कमाने की जरूरत, न तो कुछ करने की जरूरत। हालेलुया, नहीं, लेकिन क्या करता है पक्षी, सुबह से हम मनुष्य क्या है, आलसी है, कितने बजे सोकर उठते हैं, 8 बजे 9 बजे। हालेलुया। लेकिन पक्षी लोगों को देखना 4 बजे 3 बजे से वे लोग क्या करते हैं, अपने भोजन की तलाश के लिए तलाशते रहते हैं। हालेलुया। कब आएंगे अपने घोंसले में, अपने घर, शाम को, रात होने के बाद वे लोग अपने अपने घोंसले में आएंगे। हालेलुया। अपने बच्चों के लिए लेकर आएंगे, उसके बाद अपने लिए लेने जाएंगे। हालेलुया। मतलब हमें कहने का मतलब परमेश्वर के वचन का यही है कि हमें मेहनत करने वाला होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि कर्म बिना विश्वास क्या है, मरा हुआ है। हालेलुया। इस भीड़ पर यीशु मसीह क्या किया, तरस खाया। क्यों तरस खाया, क्योंकि ये भीड़ 3 दिन से बराबर यीशु मसीह के साथ है, यीशु मसीह के पास आकर चला जाने वाला भीड़ नहीं, यीशु मसीह के साथ साथ रहने वाला भीड़ नहीं, यीशु मसीह के साथ साथ चलने वाला भीड़ नहीं, लेकिन यीशु मसीह के साथ साथ रहने वाला भीड़ है। हालेलुया। यीशु मसीह के साथ साथ रहने से क्या होगा, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के साथ रहा हुआ भीड़ है। हालेलुया। पर मरकुस में लिखा है
उसने उतर कर बड़ी भेड़ देखी और उन पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो, और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने उनको भोजन करा कि उनको जाने नहीं दिया, लेकिन यीशु मसीह अपने साथ रहने वाले लोगों पर यीशु मसीह ने तरस खाया, उनको अपनी बातें सिखाने लगा, उनका अगुवाई करने लगा। हालेलुया। लेकिन हमारे भी प्रति कुछ जिम्मेदारियां हैं। हालेलुया। वे भीड़ क्या है? एक भेड़ के समान है। हालेलुया। जिनका कोई रखवाला ना हो, कहने का मतलब जिनके ऊपर प्रभुता करने वाला कोई ना हो। हालेलुया। कई बार हम क्या करते हैं, हम एक बार चर्च आएंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमें क्या कर दे, चंगा कर दे कि बार में हम हमारी प्रार्थना को सुन ले। हालेलुया। हम क्या समझते हैं यीशु मसीह को? कई बार मंदारी समझ लेते, बैगा समझ लेते। हालेलुया। मेरे गांव में एक जादू दिखाने वाला आया था, क्या उसने गोबर का रसगुल्ला बनाया और एक जन को खिला दिया। कई बार यीशु मसीह को हम वैसा समझ लेते हैं कि एक मिनट में यीशु मसीह काम करे ऐसा हो जाना चाहिए। यीशु मसीह लोकल काम नहीं करता। हालेलुया। हमारा परमेश्वर ओरिजिनल काम करता है। हालेलुया। हालेलुया। इस भेड़ की विशेषता क्या है भाई और बहन? यह भेड़ उन भेड़ों के समान है जिनका कोई रखवाला ना हो। हालेलुया। इनके ऊपर प्रभुता करने वाला, इनको चलाने वाला, इनका मार्गदर्शक करने वाला कोई नहीं है। हालेलुया। ये भेड़ों के समान है। यीशु मसीह ने अपने वचन में कहा कि सच्चा चरवाहा मैं हूं। हालेलुया। जो अपने भेड़ों पे अपना प्राण देता है। हालेलुया। कई बार हमारे ऊपर प्रभुता करने वाला कौन रहता है? नशा की बातें। हालेलुया। पाप की बातें, बुराइयों की बातें। हालेलुया। कई बार हमारे जीवन का प्रभुता करने वाला हम ही हो जाते हैं। हालेलुया। क्या बोलते हैं? पास्टर मेरे ऊपर नेतागिरी नहीं करना। पास्टर बोलेगा कि बहन चर्च में, भाई चर्च में, यदि कुछ गलत काम कोई चर्च का विश्वास कर रहे हैं, पास्टर बोलेगा उसको मान लीजिए चर्च से निकाल दे, क्या कर मुझको चर्च से निकाल, अभी बता रहा हूँ पास्टर। हालेलुया। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हालेलुया। लेकिन हमारे ऊपर प्रभुता करने वाला प्रभु का दास, परमेश्वर का आत्मा होना चाहिए। हालेलुया। इस भीड़ की विशेषता यही है। ये तीन दिन बराबर यीशु मसीह के साथ रहने वाली भीड़ की विशेषता यही है कि क्या है, वे एक भेड़ के समान है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हम पर यूं ही तरस नहीं खाते। हालेलुया। लेकिन यदि यीशु मसीह जब हमें देखे भाई और बहन, जब हम पर परमेश्वर की दृष्टि हो, हम यीशु मसीह की दृष्टि में एक भेड़ के समान नजर आना चाहिए। हालेलुया। बकरी के समान नहीं। हालेलुया। अन्य स्वभाव में पाए जाने वाले लोगों के समान नहीं। हालेलुया। लेकिन एक भेड़ के समान जब प्रभु हम पर दृष्टि करे, हम तरस के योग्य व्यक्ति हो जाए, ताकि वह परमेश्वर हम पर क्या करे, तरस खाए। हम इस भीड़ के समान हो जाए, ताकि वह परमेश्वर हम पर तरस खाने वाले हो जाए, हम यीशु मसीह के पास आकर आशीष पाकर, चंगाई पाकर वापस चले जाने वाले ना हो। यीशु मसीह कुछ दिन यीशु मसीह के साथ रहकर फिर से अपने पुराने जीवन में, फिर से अपने बुराइयों में जीवन को जो है बिताने वाले ना हो। हालेलुया। कई लोग ऐसे होते हैं, क्या करेंगे, चर्च भी आएंगे, संसार की रीति विधि के अनुसार भी चलेंगे, चर्च भी आएंगे, उनके जीवन में कई एक प्रकार की बातें, बुराइयां, नशा की बातें, गाली गलौज की बातें, कई एक प्रकार की बुराइयां भी उनके जीवन में रहेंगे। ये भीड़ कौन से क्वालिटी में आता है, कौन से कैटेगरी में आता है? यीशु मसीह के साथ चलने वाले की कैटेगरी में आता है। उसकी विशेषता कहाँ है? परमेश्वर के वचन ही में। पहला कौन है? ये सैमोन और टोना जादू करने वाला। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण किसका है? हेलो, किसका है? यीशु मसीह के साथ चलने वाला, यीशु मसीह के साथ रहा हुआ, यीशु मसीह में के 12 चेलों में से एक चेला कौन? हेलो, कौन? यहूदा इस्करियोती, राइट दे रहे हमारे सर की भाषा में। हालेलुया। यीशु मसीह के साथ रहा, यीशु मसीह के आश्चर्य कर्मों को देखा, उसने भी आश्चर्य कर्म किया। हालेलुया। कौन? यहूदा इस्करियोती। लेकिन कहां गया? अंत में उसका आत्मा नष्ट हो गया, नरक में चला गया। हालेलुया। यीशु मसीह के साथ चला,
हालेलुया। लेकिन इस भीड़ की विशेषता यह है कि ये यीशु मसीह के साथ साथ रहा। आज भी भाई और बहन, जब हम यीशु मसीह के साथ रहते हैं, हमारे जीवन में प्रभु हम पर केवल तरस नहीं खाता, लेकिन हमारे लिए कुछ करता है। हालेलुया। क्या करता है? इस भीड़ पर क्या किया? इसको चंगा किया, इसको आशीष दिया, इसको अपना बात अपने बातें सिखाने लगा। बहुत सारे बातें जो है यीशु मसीह ने इस भीड़ को सिखाया। हालेलुया। बहुत सारे अनुग्रह हमारे जीवन में है। कब? एक बार यीशु मसीह के पास आने वालों के लिए यह अनुग्रह नहीं है, यीशु मसीह के साथ चलने वालों के लिए यह अनुग्रह नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के साथ रहने वाले विश्वासी के लिए, यीशु मसीह के साथ रहने वाले लोगों के लिए यह अनुग्रह है। हालेलुया। क्या क्या? प्रभु उन पर तरस खाता है, उनको तरस खा के चंगा करता है। वे भेड़ों के समान है। तीसरा है, प्रभु यीशु मसीह उनको अपनी बातें सिखाता है, अपने वचन सिखाता है, उनके ऊपर प्रभुता करता है। हालेलुया। हमारे जीवन पर प्रभुता करने वाला प्रभु यीशु मसीह होने का। हालेलुया। नजर की बातें नहीं, संसार के अन्य लोग नहीं, हमारा सोच हमारा विचार नहीं, लेकिन हम पर प्रभुता करने वाला, हमें चलाने वाला परमेश्वर का वचन, परमेश्वर स्वयं प्रभु यीशु मसीह होने पर। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर कहता है कि यीशु मसीह के साथ रहने वालों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह क्या किया? उन पर तरस खाया। हालेलुया। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह हम पर तरस खाता है, तब हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह कुछ अनुग्रह देता है, कुछ आशीष देता है। हालेलुया। हमें एक आशा देता है। हालेलुया। क्या करता है यीशु मसीह? अपने पास रहने वाले, अपने साथ रहने वाले लोगों को के जीवन को सबसे पहली विशेषता क्या है? यीशु मसीह बदल देता है। हालेलुया। क्या किया? यीशु मसीह के साथ रहा हुआ भीड़ को पर यीशु मसीह क्या किया? अपनी बातें सिखाया। वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो। हालेलुया। एक स्वाभाविक स्वभाव को छोड़कर क्या हो गया? उनका स्वभाव भेड़ के स्वभाव में आ गया। हालेलुया। भेड़ की विशेषता हमने सीखा कि वो क्या है? सीधा साधा जानवर। हालेलुया। झगड़ालू स्वभाव का नहीं है, दयालु स्वभाव का है, सहने वाला स्वभाव है। हालेलुया। जब भेड़ का ऊन कतरा जाता है, तब भेड़ चुपचाप खड़ा रहता है। हालेलुया। मतलब उसके जीवन में कष्ट आए, परेशानी आए, विपरीत परिस्थितियां आए, फिर भी क्या है? स्थिर खड़ा रहेगा। यीशु मसीह के साथ रहने वाले भीड़ की विशेषता यही है। हर परिस्थिति में, कष्टों की परिस्थिति में, क्लेशों की परिस्थिति में, निंदाओं की परिस्थिति में, हर परिस्थिति में ये भीड़, ये विश्वासी क्या करेगा? स्थिर खड़ा रहेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु क्यों खड़ा रहेगा? क्योंकि प्रभु ने उनको क्या दिया है? एक आशा दिया है। वह आशा क्या है? धन्य आशा है। हालेलुया। उस आशा की विशेषता क्या है? रोमियो के पत्र उसका 5 अध्याय में लिखा है। हालेलुया। क्या लिखा है? निकाले। हालेलुया।